हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट्स जनरली लूप्स के साथ ही यूज किए जाते हैं। इनफैक्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू तो लूप्स के साथ ही यूज किए जाते हैं, पास कुछ और जगहों पे भी यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे बिकॉज ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट फर्स्ट। ब्रेक स्टेटमेंट जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या करता है कि अगर आपका एक लूप चल रहा है उसके बीच में अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट डाल दिया तो वो उस लूप को टर्मिनेट कर देता है, ब्रेक कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हम एक लूप चला रहे हैं फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1 से लेके 11, और यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है, इफ आई इज इक्वल टू 5 देन ब्रेक। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है देन प्रिंट वॉट एवर इज इनसाइड आई। सो अब क्या होगा कि ये लूप चलना स्टार्ट करेगा, आई का वैल्यू शुरू में पहली बार 1 होगा, फिर आप अंदर घुसोगे और आप चेक करोगे क्या आई का वैल्यू 5 है, ऑब्वियसली नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा। आप यहां पे आओगे और आप आई का वैल्यू प्रिंट कर दोगे, स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये लूप में आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर से ये कंडीशन फॉल्स है, 2 प्रिंट हो जाएगा, सिमिलरली 3 और 4 भी प्रिंट हो जाएगा। बट जैसे ही आई का वैल्यू 5 हुआ आप यहां पे आके चेक करोगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और आपका लूप ब्रेक कर जाएगा। इसके बाद लूप में कोई काम नहीं होगा, आपका लूप टर्मिनेट हो गया। लेट मी शो यू द आउटपुट। सी दिस इज द आउटपुट। ब्रेक का काम होता है लूप को टर्मिनेट करना एट अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सोचो वीडियो पॉज करके किस तरह के सिनेरियोज में ब्रेक कंडीशन यूजफुल हो सकता है। द आंसर इज लीनियर सर्चिंग। मान लो आपके डेटाबेस में एक यूजर है जो 100 नंबर पे है। आप हमेशा यूजर्स को सर्च करना कहां से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट यूजर से, और टोटल मान लो आपके डेटाबेस में 100,000 यूजर्स है। तो जब आप सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप पूरे टाइम पूछ रहे हो क्या ये यूजर राहुल है, यस देन गुड, नो अगले पे जाओ। क्या ये यूजर राहुल है, यस देन गुड, नो अगले पे जाओ। ऐसा करते 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 आप यूजर आईडी 100 पे पहुंचोगे जो कि सच में राहुल है। तो अब आपको आपका यूजर मिल गया तो सोच के देखो क्या हमें फिर लूप और आगे बढ़ा के 100,000 तक जाने की जरूरत है, ऑब्वियसली नहीं है, राइट? आप क्या करोगे, वहीं पे लूप को ब्रेक कर दोगे, एज इन टर्मिनेट कर दोगे। सो इन शॉर्ट, कभी भी अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रोग्राम लिखते टाइम अगर लगे कि मेरे लूप का काम यहीं तक था, इसके आगे मुझे लूप की जरूरत नहीं है, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट वहां पे अप्लाई कर सकते हो और ये बहुत स्मार्टली आपका जो रन टाइम है उसको डिक्रीज कर देगा, आपके प्रोग्राम को फास्ट कर देता है। ठीक है, आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, सो कंटिन्यू स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे ही वो पर्टिकुलर कंडीशन मीट होता है वो पर्टिकुलर आइटरेशन में जो कोड है उस लूप के अंदर वो स्किप हो जाता है। मैं आपको कोड लिख करके इसका एग्जाम्पल समझाता हूं। सो अगर मैं लिखूं फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से 11, और यहां पे मैंने लिखा इफ आई इज इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू, इफ नॉट देन प्रिंट आई। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं, इस बार लूप टर्मिनेट नहीं होगा, लूप ब्रेक नहीं होगा, लूप चलेगा, लूप एंड तक चलेगा। बट जैसे ही आई इक्वल टू फाइव वाला कंडीशन आएगा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को मिलते ही इसके आगे का कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा फॉर दैट पर्टिकुलर आइटरेशन। मतलब आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और आप आगे बढ़ जाओगे और आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 6 कर दोगे। जैसे ही 6 हो गया फिर आगे का कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा नॉर्मली। जैसे कि अगर इस कोड को अगर आप देखो तो इसका आउटपुट ये होगा, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10 नॉर्मली चला। बस जब कंडीशन मीट किया तो वहां पे जो भी कोड लिखा हुआ था अब वो काम नहीं कर रहा है। जैसे कि लेट्स से मैंने यहाँ पे ये भी कोड लिखा होता, प्रिंट हेलो, तो देखो हर के आगे हेलो लिखा हुआ है, 4 के आगे भी हेलो लिखा हुआ है, बट 5 और 5 का हेलो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि उस आइटरेशन में कंटिन्यू के आगे जो भी कोड होगा वो अब काम नहीं करेगा। ठीक है, वो स्किप हो जाएगा, कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा, लूप नॉर्मली ही चल रहा है उस पर्टिकुलर आइटरेशन में जहां पे कोड का कंडीशन मीट कर रहा है
कंटिन्यू के आगे का सारा कोड स्किप हो जाता है और आप अगले आइटरेशन में चले जाते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि आप सोच के देखो कि कहां पर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करना चाहोगे, ठीक है। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे सिनारियोज हैं। मैं आपको एक बहुत यूजफुल सिनारियो देता हूँ। मैं एक बार एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा था फ्लिपकार्ट के जैसा, तो वहां पे मुझे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत पड़ी थी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सो मुझे क्या करना था, मुझे सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना था होम पेज के ऊपर, ठीक है। बट मुझे सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना था जो स्टॉक में है, जो भी आउट ऑफ स्टॉक है उनको डिस्प्ले नहीं करना था। सो मैं लूप चला करके हर बार इफ के अंदर पूछ रहा था कि जो करंट प्रोडक्ट है क्या वो स्टॉक के अंदर है या नहीं। अगर वो स्टॉक के अंदर है तो मैं उसको डिस्प्ले कर दे रहा था, बट अगर वो स्टॉक के अंदर नहीं है तो मैंने कंटिन्यू लिख रखा था, मतलब डिस्प्ले करने वाला कोड स्किप हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि स्टॉक में नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियोस जहां पे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हो, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट, व्हाट इज पास स्टेटमेंट। सो पास स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल एक चीज होती है, इट्स लाइक इट्स अ फिलर, ठीक है। मतलब मान लो कभी आप कुछ कोड लिख रहे हो, और इस पॉइंट पे यू आर नॉट श्योर कि इस लूप के अंदर क्या लॉजिक लिखना है, बट आपको आगे का कोड कंटिन्यू करना है। इन दैट केस अगर आप इसको रन करोगे तो आपको सिंटेक्स एरर आएगा, वो बोलेगा कि भाई लूप जो तुमने स्टार्ट किया उसको कंटिन्यू करो, राइट। बट आपके पास अभी लॉजिक नहीं है, आप अभी आगे का कोड करना चाहते हो, यहाँ पे बाद में लौट के आना चाहते हो। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली पुट अ पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट इज लाइक जैसे हम बचपन में क्विज खेलते थे ना, किसी क्वेश्चन का आंसर अगर हमें नहीं पता होता तो हम क्या बोलते थे, पास, ठीक है। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। तो सिमिलरली यहाँ पे पाइथन का इंटरप्रेटर मेरे से पूछ रहा है यहाँ पे कोड क्या लिखना है, मैंने बोला पास, बाद में देखेंगे। तो पाइथन का इंटरप्रेटर समझ गया कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आप अभी यहाँ पे कोड नहीं लिखना चाहते, तो अब ये कोड एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा और कोई आउटपुट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। द गुड थिंग इज कि पास स्टेटमेंट्स आप क्लास के अंदर भी लिख सकते हो, फंक्शंस के अंदर भी लिख सकते हो, मैं फ्यूचर में आपको वो करके दिखाऊंगा। बट या पास स्टेटमेंट कुछ खास बड़ी चीज नहीं है, इट्स जस्ट कि जिस पॉइंट पे यू आर अनश्योर कि यहाँ पे क्या कोड आना चाहिए, आप वहां पे पास लिख करके निकल सकते हो, कोई एरर थ्रो नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप मैं आपको ठीक से समझा पाया अबाउट ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।